नमस्कार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के विभिन्न पदों के लिए। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या इसका वेतन है, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि मैं अपने चैनल में जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे वाले नोटिफिकेशन इसी तरह के मिलने वाले हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन दिया हुआ है, इसकी अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2021। 30 अगस्त 2021 तक इसको भर सकते हैं और इसकी में त्रुटि सुधार अगर करना है तो 5/9/2021 तक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आप 30 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर दें। पदों की संख्या जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है उनकी पदों की संख्या 54 है और स्टेनोग्राफर की 4 है और टोटल 60 पद हैं। तो इसमें ध्यान रखना जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में पद हैं दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान रखना। इसमें कई लोग अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फीस ज़्यादा होती है, फीस देने के चक्कर में कई लोग अप्लाई नहीं करते हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। अब इसका वेतन और क्या पद है, कितना ग्रेड पे है, आयु क्या है, उसके बारे में बताते हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का वेतन जो है 5200 से लेके 20200 प्लस ग्रेड पे 1900 रुपये एक्स्ट्रा है। और इसमें ये तो केवल बेसिक पे है, इसके बाद इसमें इनको मिलेगा DA TA कई चीज़ें अलाउंस होते हैं, तो लगभग इनकी पेमेंट बन जाएगी 60-65 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग पेमेंट। और इनका एज जो चाहिए 18 से 35 वर्ष है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और टाइपिंग आना अनिवार्य है। कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, किस कोई भी डिप्लोमा आप कंप्यूटर का इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया, उनका भी बैंड पे जो है वो सेम है, 18 से 40 वर्ष की आयु चाहिए। तो इनके दोनों के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम चाहिए। अभी इसमें दिया हुआ है देखो 19500 से 62000 इनका वेतन होगा, तो वेतन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आ जाता है अभी इसमें जो अप्लाई करना चाहते हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है, तो एक्स सर्विसमैन नॉर्मल कोटे से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी उनको छूट नहीं दी गई है इस जॉब में। अभी बात करते हैं हम आवेदन शुल्क कितना है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कास्ट का आवेदन शुल्क है परीक्षा शुल्क 200 और पोर्टल का है 722, टोटल आ जाता है 922 रुपये यानी कि 1000 रुपये। तो इसीलिए बोलते हैं इसमें कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि फीस ज़्यादा है, तो कम लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें नौकरी पाने का चांस भी ज़्यादा रहता है। जो रिजर्व कोटे वाले 722 रुपये पेड करना है, उनकी परीक्षा शुल्क 722 रुपये पड़ेगी। अभी ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन www.mphc.gov.in पर लॉगिन करें या हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाता है कमेंट करें तो मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसी तरह के जॉब्स रिलेटेड कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।